दोस्तों, नीट एग्जाम के लिए बचे हुए 30 डेज, क्या आप श्योर है कि नीट का एग्जाम 30 सितंबर को हो जाएगा? मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस बात की सियोरिटी नहीं रखते कि 30 सितंबर को उनका एग्जाम होगा। पता करने की कोशिश ये रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट रोज हो रहे हैं नीट पोस्टपोन्स को रिलेटेड, तो वो इसका कारण है, क्योंकि स्टूडेंट अब श्योर ही नहीं है। अभी तक क्या था कि कुछ स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट में गए नीट को पोस्टपोन कराने के लिए, उसके बाद कुछ और स्टूडेंट गए जो नीट को ऑन टाइम कराने की रिक्वेस्ट लेके गए। कुछ दिन पहले पेरेंट्स कुछ गए थे, पेरेंट्स एसोसिएशन, वहाँ पे उन्होंने प्ली फाइल की थी कि एग्ज़ाम को नहीं होना चाहिए, उनके 4-5 रीज़न थे। अब कल कुछ पेरेंट्स गए थे जिन्होंने कहा था कि एग्ज़ाम को ऑन टाइम होना चाहिए, स्टूडेंट के ऊपर उनके बच्चों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है और एग्ज़ाम को टाइम पे होना चाहिए, वरना पूरा सेशन ही उनका ख़राब हो जाएगा। अब इस तरह का जब डेवलपमेंट होगा आपके सामने, तो मुझे नहीं लगता कि आप श्योर होंगे कि आपका एग्ज़ाम होगा 30 सितंबर को कि नहीं होगा। कभी पता करने की कोशिश की, अगर 30 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं होगा तो घाटा किसका होगा? केवल आपका घाटा होगा। या फिर अगर पोस्टपोन्ड होता है, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए, तब भी अल्टीमेटली घाटा आप ही का हो। आप ठीक हैं कि कोरोना के केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, आप ठीक हैं, अपनी जगह ठीक है कि स्टूडेंट की सेफ्टी को पहले देखना चाहिए, मैं भी इससे एग्री करता हूँ, लेकिन दोनों केसेस में घाटा केवल आपका ही है। एग्ज़ाम 30 सितंबर को होता है, तब भी बहुत सारे कैंडिडेट्स उससे एग्री नहीं होंगे, और अगर आगे भी जाता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स उससे एग्री नहीं होंगे। तो ये बेसिकली स्टूडेंट स्टूडेंट और पेरेंट पेरेंट्स के बीच में एक टाइप का एक लाइन खिंच गई है, मीन्स दो जोन हो गए, एक फेवर कर रहा है एग्ज़ाम का, दूसरा फेवर नहीं कर रहा है, पोस्टपोन का फेवर कर रहा है। तो दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि ठीक है, चलिए ये बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये नहीं बता सकते कि आने वाले 15 डेज में क्या होने वाला है, कौन सा नया डेवलपमेंट होने वाला है, क्या वैक्सीन आ जाएगी, या फिर कोरोना केसेस डिक्लाइन होने शुरू हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं पता। मे बी अगर वैक्सीन आ जाती है और वैक्सीनेशन शुरू हो जाते हैं तो पॉसिबिलिटी रह जाएगी एग्ज़ाम कराने की, तो 30 सितंबर को एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो हर चीज़ को मेज़र करके आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रिपरेशन अगर इस समय ढीली कर दी और एग्ज़ाम हो गया तो फिर एग्ज़ाम में आपको अंधेरा और हैशटैग ही देखेंगे, फिर आपको कुछ नहीं दिखेगा। एग्ज़ाम हो या ना हो, प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। रोज़ नए डेवलपमेंट होंगे, मेरे ख्याल से जब तक एडमिट कार्ड नहीं आएगा या जब तक कि कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है ऑफिशियल, तब तक ये डेवलपमेंट चलते रहेंगे। कभी पोस्टपोन होगा, कभी ऑन टाइम होगा, कभी पोस्टपोन होगा, कभी ऑन टाइम होगा, इस तरह के बहुत सारे न्यूज़ आते रहेंगे। कुछ लोग आपको कोरोना वॉरियर्स बोलेंगे, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि नहीं आप कोरोना वॉरियर्स हैं तो डर तो है ही है। तो इस तरह की बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, आप उससे डाउटफुल होते जाएंगे। देखिए ये इन्फॉर्मेशंस, इसको आप देख भी सकते हैं, लेकिन इसको अमल में लाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मीन्स प्रिपरेशन आपकी जारी रखनी। देखो, मेरा मेन उद्देश्य इस वीडियो का ये था कि प्रिपरेशन जारी रखो, वरना अगर एग्ज़ाम हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि जो बंदा ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा है वो तो सेलेक्ट हो जाएगा, और आप अगर पोस्टपोन के चक्कर में रहेंगे तो आप फेल हो सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखो और प्रिपरेशन जारी रखो। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय, टेक केयर।